सभी मेरे नौजवान साथी बुजुर्गों माताओं बहनों कौमी बच्चों नौजवान दोस्तों हजारों लाखों लोग आए हैं इस पवित्र धरती की आप लोगों की आस्था आपसी प्रेम और भाईचारा इस बात का प्रतीक है हर वर्ष की तरह यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग आए हो मैं सर झुका के आप सब लोगों को नमन करता हूँ आप सब लोग आपका अभिनंदन करता हूँ मंच पर सभी हमारे नेतागण हमारे विधायकगण खटाना जी प्रशांत जी दीपिका सोलंकी जी दुदी साहब गांधी जी और सारा जी सभी अतिथि जो आज यहाँ मौजूद हैं उन सबका नाम लेते हुए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ साथ ही आप सब लोग इतने उत्साह और जोश से जो हमारा स्वागत करते हो मेरे साथ इस कार्यक्रम में आने से बहुत से लोग घबरा जाते हैं पता नहीं भीड़ में क्या छोड़ा लेकिन आप सभी का प्यार है आज इस मंच से मैं बहुत लंबा थोड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूँ लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि राजस्थान देश भर में आज जिस प्यार मोहब्बत का अपनेपन का भाईचारे का रिश्ते का प्रतीक राजस्थान की जमीन बनी है छत्तीसगढ़ में आपस का जो प्रेम और प्यार है वो हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है हम सब लोग जो राजनीति में हैं, हम सबका सामूहिक प्रयास से होना चाहिए कि कैसे हम सब लोगों को साथ लेकर चलें। आज बहुत जरूरी है साथियों नौजवान जागरूक है हर हाथ में मोबाइल फोन है सब पढ़े लिखे लोग हो गए लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा ये देश सबका है ये प्रदेश सबका है और हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा कभी कभी बातें आती है सामने लेकिन जो लोग सबको साथ लेकर चलते हैं जो सबका मान सम्मान करते हैं जो अपने पराये फर्क नहीं देखते वही लोग जनता के दिल में जगह बनाते हैं उनके दिल दिमाग के साथ काफी अर्से के बाद मुझे यहाँ पर आना हुआ लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप लोगों के मन में जो हमारे प्रति प्यार है वो आज पहले से बहुत ज्यादा है और मुझे देखकर काफी खुशी है देश में समाज में लोगों को आपस में लड़वाना बहुत आसान है लोगों को आपस में लड़ाना बहुत आसान है छोटी सी बात पे बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं लेकिन वो लोग जो झगड़ों को निपटाते हैं वो लोग जो बिलों को मिलाते हैं वो लोग जो जनता का साथ रखते हैं वो लोग जो सबको साथ लोगों को देते हैं उन लोगों को जनता अपने दिल में बसाती है साथियों ये राजनीति है इसमें सत्ता आती है चली जाती है पद मिलते हैं चले जाते हैं लेकिन जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता लोगों के बीच अपने प्यार का संबंध और एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना जो लोग लेकर चलते हैं वो लंबा रास्ता तय करते हैं ऐसा मैं मानता हूँ मेरा आप लोगों से आग्रह है आपकी जो ऊर्जा है जो ताकत है ये हम सबके लिए बहुत बड़ा है आने वाले समय में हमारे बाजू को कम मिलता है बातों से आप सब जानते हो आने वाले समय में चुनाव भी आएंगे आप लोगों को सोच समझ के निर्णय करना है ये मंच राजनीतिक नहीं है मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता कि मैं क्या बताना चाहता हूँ गांव और गरीब को गणेश मानकर जो पूजेगा जो लोगों के दुख दर्द में शामिल होगा जो तनाव की बात नहीं करेगा जो अपनों से संबंध रखेगा जो लोगों से मिलता रहेगा वह जनता के दिल में राज करेगा
और हर पांच साल चुनाव आते हैं, जनता निर्णय करती है। ये परमपिता परमेश्वर और पायलट साहब कहा करते थे, हम कुछ भी करें अंतिम निर्णय नीली छतरी वाले का होगा, जो वो चाहेगा वो होगा। वही चाहता है जो जनता चाहती है, जनता वही चाहती है जो आपका मन कहता है, और आपका मन हमेशा सच कहता है, हमेशा मानता हूँ। मैं आज आपके बीच में आशीर्वाद देने भी आया हूँ और आप लोगों को धन्यवाद करने भी आया हूँ। प्रदेश की जनता ने, किसान कौम ने, नौजवान साथियों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। मैं आपका कृतज्ञ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि हम सब नौजवान की पढ़ाई पर जोर दें। जैसा स्वर्गीय पायलट साहब कहते थे, हमारे गांव डालियों की बच्ची बच्चे पढ़कर उन पदों पर बैठ जाएंगे जिन पदों से देश प्रदेश की नीतियां बनती है, अपने आप विकास होगा, विकास होगा। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, आप सबको कामना करना चाहता हूँ, और भगवान आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां डाल दे, हमारा आपस का प्यार हमेशा बना रहे, और आप सबका जो आशीर्वाद हमारे ऊपर है वो हमेशा बरकरार रहे। मेरे साथ जोरदार नारा देना, पंडे लाल भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब।